इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में लगा हुआ है कंप्लीट लॉकडाउन, लेकिन क्या इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है, क्या दुकानें बंद हैं और लोग लॉकडाउन का कितना पालन कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा पहुंचे पंचकुला सेक्टर 20 की मार्केट। हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 20 की मार्केट में। और यहां देख सकते हैं कि जो गैर जरूरी, जो हम एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आती हैं दुकानें, वो लगभग सब यहां पर बंद पड़ी हुई हैं। ये आप पूरी जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये तमाम जो मार्केट है ये सब बंद पड़ी हुई है। लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें हैं, केमिस्ट शॉप हो, करियाना की दुकान हो, या ये डिलीवरी, क्योंकि होम डिलीवरी खुली हुई है खाने पीने की, तो ऐसे में वो दुकानें जरूर यहाँ पर खुली हुई हैं। बाकी लगभग सभी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर समय बंद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पिछली बार के जो लॉकडाउन हुआ था, जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन जब पूरे देश में लगा था, तो उस समय सख्ती बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे में जो आम लोग थे वो बहुत कम संख्या में बाहर निकल रहे थे। लेकिन इस बार उतनी सख्ती जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन की नजर नहीं आ रही। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो अमूमन आम दिनों की तरह कम संख्या में हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इधर उधर आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं लोग। यहाँ पर उतना यहाँ पर सख्ती नहीं है, ना ही हमें कहीं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई ऐसे अधिकारी मिला हो, या प्रशासनिक कोई यहाँ पर टेबल या कोई अधिकारी यहाँ पर मिले हों जिन्होंने नाके लगाए हों और लोगों को यहाँ पे चलान काट रहे हो कि आप बेवजह क्यों घूम रहे हैं। हालांकि इस तरह की जो हिदायत थी वो सरकार की तरफ से तो दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना मतलब घर के बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जिस तरह से लोग घूम रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो सवाल जरूर खड़ा होता है कि लॉकडाउन कितना सफल होगा। क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो लगातार जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है दिन ब दिन। और सबसे ज़्यादा अगर हालात की बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद जो NCR एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बाकी इलाकों में भी जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो खुद मान रहे हैं कि सूबे में ऑक्सीजन की कमी जो है वो चल रही है, और ऐसे में लोग जो है खुद अगर एहतियात बरतें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि कम से कम संख्या में बाहर निकलें, बिना मतलब के बाहर ना निकलें, तो इसी किसी जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। फिलहाल इस वक्त पंचकूला की अगर हम मार्केट की बात करें, यहाँ पर लोग तो कम हैं, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं उनको भी हम ये आगाह करेंगे कि अगर जरूरी नहीं है तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी, पंचकुला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।